This story is brought to you by tapeatale.com. यार मैं तो बहुत ज्यादा ही सिंगल हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे लाइफ में इतने रिश्ते नहीं बने जितने तो ब्रेकअप्स हुए। तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। अब इतने ब्रेकअप्स के बाद सेल्फ लव जिंदाबाद। मेरे सेल्फ लव के जर्नी में मैं एक ही तो इंसान थी और मैंने ही खुद को ट्रस्ट इश्यूज दे दिया। ये तो वही बात हो गई कि तुम किसी रेस में अकेले भाग रहे हो और उसमें भी तुम हार गए। क्या झूठ लग रहा है? चलो एक सच्ची कहानी बताती हूँ एक झूठ के बारे में। मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई, एकदम टॉल डार्क हैंडसम। मतलब इसे याद भी करती हूँ ना तो मेरे चेहरे पर एक ब्लशी मुस्कुराहट आ जाती है। और इसके साथ तो कोई गलती नहीं करनी थी तो मैंने सारी YouTube ट्यूटोरियल्स चाट दी, हाउ टू इम्प्रेस अ बॉय इन 4 डेज। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स सीख लिए, कभी अटेंशन देकर तो कभी इग्नोर करके, कभी इंस्टेंट रिप्लाईज दिए तो कभी स्ट्रेटेजिकली लेट रिप्लाईज, सब मतलब सब कर लिया। और मेरे IIT कोचिंग में कहा करते थे कि बच्चों प्रिपरेशन अच्छी होगी ना तो रिजल्ट को तो आना ही है। और आया, मस्त रिजल्ट आया। रात के 2 बजे उसका कॉल आया, रचना तुम जवाब नहीं दोगी तो चलेगा, बट आई रियली वॉन्टेड टू से दैट आई लव यू। मैं तो पागल ही हो गई, मतलब यूफोरिया विल बी एन अंडरस्टेटमेंट टू व्हाट आई वाज फीलिंग। लेकिन एक सेकंड, वेट, व्हाट डिड ही जस्ट से? लव? लव जिंदगी में हर किसी चीज का फिक्स डेफिनेशन होता है, बस ये प्यार ही एक ऐसा एहसास है जिसका फिक्स डेफिनेशन कोई नहीं जानता, इनफैक्ट है ही नहीं। ये उम्र के साथ अपने लव्स बदलता है, वक्त के साथ हालात के साथ अपने रंग बदलता है, ऐसे बदलते हुए पलटू चीज का क्या ही मोल है। मुझे नहीं आता लव करना, मुझे नहीं पता लव क्या है, और अगर मुझे उससे लव है या नहीं ये मुझे सोचना पड़ रहा है ना तो नहीं होगा। पर मेरे IIT कोचिंग में एक और बात कहा करते थे कि बच्चों अगर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ आए ना तो उसे जाने नहीं देते। तो मैंने भी कह दिया ऑफकोर्स आई लव यू टू। मन में एक 0.0001% का गिल्ट आया, बट आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड विद थ्रिल एंड एक्साइटमेंट कि आई लेट इट गो। देन वॉट, वी डेटेड एंड इट वॉज अमेजिंग, द बेस्ट 5 months ऑफ माई लाइफ। वैसे तो हम साथ 1 साल तक थे मगर रिश्ता 5 महीनों तक का ही था। वो क्या है ना, प्यार अगर एक एहसास हो तो सुकून देता है, मगर एक रिश्ता बनने की कोशिश करे तो डर लगता है। बाकी के 7 महीने हमने सिर्फ लड़ कर, झगड़ कर, इनसिक्योर होकर, शक करके, गैस लाइट करके, रो कर, रुला कर, एक एक करके उस रिश्ते को तोड़ा है, उस आदत से पीछा छोड़ा है। पर तुम कभी किसी से प्यार करते हो ना तो तुम कभी उसे छोड़ कर नहीं जा सकते। शायद इसीलिए वो मुझे कभी छोड़ कर नहीं गया, पर मैं चली गई। आई चीटेड ऑन हिम फॉर 1 good year। अब आप सोच रहे होंगे कि विथ हुम? वॉज इट योर फ्रेंड? वॉज इट योर मुंह बोला भाई? और वॉज इट हिज बेस्ट फ्रेंड द हॉट टारगेट? यू सी दैट्स द प्रॉब्लम। जब हम कहते हैं दैट शी चीटेड ऑन हिम और ही चीटेड ऑन हर, वी ऑलवेज कनेक्टेड विथ फिजिकल एस्पेक्ट्स इन अडल्ट्री। I did not hook up or make out with anyone else. I did not date anyone else or have side flings. But I still cheated on him. Well, sorry to burst your bubble, but cheating can be mental too. लेकिन मैंने तो mentally भी किसी और के बारे में नहीं सोचा. But yes, I cheated on him. I cheated on him the day I told him that I loved him. The day I made those promises just because they poetically sounded good in my head and I knew that I wouldn't be able to abide by them. The day I committed to something that I wasn't even ready for. Murad ne Safina par tab cheat nahi kiya tha jab usne car mein us dusri ladki ko kiss kiya tha. Usne Safina par tab cheat kiya tha jab usne pehli baar bahar jaane par Safina se jhoot kaha tha. ये सच है कि झूठ सिर्फ एक गलती है, पर अगर तुम्हारे झूठ में
एक इरादा मिल जाए, एक गलत सहारा मिल जाए, तो वो झूठ एक गलती कहलाई नहीं जाती, फिर वो बेईमानी है। आई चीटेड ऑन माई बॉयफ्रेंड द डे आई लाइड टू हिम अबाउट माई लव दैट नेवर एग्जिस्टेड फॉर हिम, एंड आई चीटेड ऑन माई सेल्फ बाई नेमिंग माई अट्रैक्शंस एंड इनफैचुएशंस लव, एंड दिस इज हाउ आई गेव माई सेल्फ ट्रस्ट इशूज। IIT कोचिंग में ये भी कहा करते थे कि यू इधर विन और यू लर्न। आई डिडंट विन इन दिस रिलेशनशिप बट आई श्योरली लर्नड। यार IIT कोचिंग की जगह कोई लाइफ कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू कर देता ना तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। चलो अच्छा ही है, कम से कम आज मेरे पास प्यार का डेफिनेशन तो है। डेफिनेशन तो है, बता दूं? तुम्हें जो रखना है रख लो, डेफिनेशंस तो हजार है, मगर प्यार का वो डेफिनेशन जो किसी झगड़े, वक्त या हालात से नहीं बदलता, वही प्यार है। मेरे उस रिश्ते में प्यार नहीं था पर खुशी थी, इंटीमेसी नहीं थी पर कंफर्ट था, जुनून नहीं था पर सुकून तो था। और आज जब सब कुछ मुझसे दूर जा चुका है, मेरे पास रह गई है तो सिर्फ ये एक सीख।